नमस्कार दोस्तों, बाइट विद कौर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाएंगे मेथी वाले चावल। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। 1 टेबल स्पून ऑयल इसे मैंने गरम कर लिया था, 1 छोटा सा प्याज, 2 हरी मिर्चें हल्का सा चलाइए, साथ ही साथ डाल दीजिए 1 मीडियम साइज़ का आलू जो कि पतला और छोटा कटा हुआ होना चाहिए। साथ ही में डाल देंगे 1 से 2 टेबल स्पून फ्रोज़न मटर, अगर आपके पास ताजे हैं वो भी डाल सकते हैं। आधी छोटी चम्मच हल्दी हल्का सा चलाइए, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर हल्का सा चलाइए इसे भी। हल्दी का कच्चापन ज़रूर ख़त्म होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों मैंने अपने चैनल पे एक सीक्रेट मसाले से लेफ़्ट ओवर राइस की रेसिपी बनाई थी जो कि बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी है। कड़ी पत्ते से भी हम बहुत अच्छे राइस बना सकते हैं, इसकी रेसिपी भी मैंने दी हुई है। आंवले से, ताजे आंवले से हम बहुत ही अच्छे राइस बना सकते हैं, इम्यूनिटी बूस्टर राइस। और साथ में मैंने आंवले से दाल भी बनाई थी, ज़रूर चेक कीजिएगा मेरे चैनल पे। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बिल्कुल धुली हुई और अच्छे से कटी हुई 150 ग्राम के करीब मेथी। दोस्तों मेथी इसमें आप जितनी ज़्यादा डालेंगे उतनी अच्छी है, क्योंकि अगर हम मेथी राइस बना रहे हैं तो उसमें मेथी ज़्यादा होनी ही चाहिए। इसको हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब दोस्तों चावलों का मुझे अंदाज़ा है, मैं लेफ़्ट ओवर राइस से बना रही हूँ तो मैं उसी हिसाब से इसके अंदर जो है नमक डाल रही हूँ। मैं इसमें दोस्तों 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा जो है इसमें नमक डाल रही हूँ। अब दोस्तों हम जो है आलू और थोड़े से मटर और मेथी का, जब तक पानी नहीं सूख जाता तब तक इसको हम धीमी आंच पे 2 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। 2 मिनट के बाद दोस्तों देखिए मेथी का पानी बिल्कुल सूख चुका है और आलू भी हमारे पक चुके हैं, और हमने फ्रोज़न मटर इस्तेमाल किए थे, उसके पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बस अभी दोस्तों हमें यहाँ पे चावल इस्तेमाल करने हैं। चावल हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, चाहे हम जो है लेफ़्ट ओवर राइस से बना रहे हैं या फिर हमने ताजे बनाए हैं। बस दोस्तों इसको आप मिक्स कर लीजिए और ये आपके मेथी राइस बन के तैयार हैं। आप चाहें तो यहाँ पर जो है थोड़ी सी शक्कर ऐड कर सकते हैं, चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको मेथी बहुत कड़वी लगती है, या फिर आप नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर मेथी को अगर आप इसी तरीके से खाएंगे तो वो हमें बहुत फ़ायदा देगी। बस देखिए दोस्तों कितनी इजीली हमारे मेथी वाले राइस बन के तैयार हो गए हैं। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर बना करके खाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।